हेलो गाइस, ये हैं ओल्ड न्यू मारुति फ्रैंक्स का डेल्टा वेरिएंट। इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड फ्रंट किससे शुरुआत होती है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर, जो कि अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो डेल्टा प्लस में, तो यहाँ पे आपको एलईडी में डीएलसी देखने को मिल जाता है, बट इसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हेलोजन में है। एंड इसके ऊपर के वेरिएंट में आप अगर जाओगे उसका रिव्यू देखना चाहते हैं इन दोनों का कंपेयर, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो जरूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसकी प्लेट देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ से आप देखते हो गो क्राउन का लोगो देखने को मिल जाता है, जो से यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ तक जाता है। एंड यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाते हैं। एंड ये नीचे की तरफ आपको इसकी प्लेट देखने को मिल जाती है। अब साइड लुक्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टील व्हील देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको व्हील कैप देखने को मिल जाता है। अब बात करूँ टायर प्रोफाइल की, तो इसमें आपको दिया गया है 195/16 R16 का आपको इसके अंदर टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। अब ये डेल्टा वेरिएंट है, तो इसकी की में आपको ये की देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको लॉक एंड अनलॉक देखने को मिल जाता है। ये इसका मिरर, यहाँ पे आपको मिरर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये सेकंड बेस वेरिएंट देख रहे हो। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 190 mm का, इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आपको फ्रॉन्क्स पसंद आ रही हैं तो आप जल्दी से एरिक मोटर आके आप विजिट कीजिए। एंड यहाँ पे देखते हो तो आपको ऑटो डाउन ड्राइवर सेट देखने को मिल जाते हैं, पावर विंडो, बाकी के आपको मैनुअल नॉर्मल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फैब्रिक देखने को मिल जाते हैं कॉफी कलर में, आपको फैब्रिक यहाँ पे आपको कॉफी कलर में थोड़ा सा सिल्वर डार्क। यहाँ पे इसका लॉक एंड अनलॉक, एंड यहाँ पे अनलॉक का, यहाँ पे आपके पावर विंडो लॉक करने के, एंड यहाँ पे आपको मिरर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिक मिरर कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि सेकेंड बेस्ट वेरियंट है। यहाँ पे देखते हो तो आपको रिकॉइल एंगर करने का मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपका फ्यूल और यहाँ पे आपका बोनट ओपन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, एंड यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ नेविगेशन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको MID देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको RPM, एंड यहाँ पे आपको स्पीड का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका फ्यूल लो, एंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर, एंड यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एवरेज हो गया। अब तो ये गाड़ी खड़ी है इसलिए डिस्प्ले शो नहीं कर रही है। एंड एवरेज की बात करूँ तो ये कंपनी क्लेम करती है 220 mpl, मतलब 22 का आपको एवरेज कंपनी क्लेम करती है। यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो गया, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर, और यहाँ पे आपका फोन का स्पेस हो गया, एंड ये आपका 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, एंड यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक हो गया, और ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया, एंड ये आपका मिरर मैनुअली, एंड यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन है, एंड यहाँ पे आपका मिरर हो गया, यहाँ पे आपका सिल्वर फिनिशिंग हो गया, एंड यहाँ पे भी वो आपका कॉफी कलर हो गया, और यहाँ पे आपका स्पेस ग्लो बॉक्स, एंड यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ब्लू लिंक एंड वॉइस कमांड हो गया, एंड यहाँ पे आपका कॉल कट एंड अनकट का हो गया। यहाँ पे और थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं सेकेंड रो में, तो अब बात आती है सेकेंड रो की, डेल्टा वेरिएंट की सेकेंड रो में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो ये आपका डेल्टा वेरिएंट, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसिंग, यहाँ पे आपको एक लीटर की बोतल होल्डर, एंड यहाँ पे आपका फैब्रिक हो गया, और यहाँ पे आपके विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपका लॉक है ना अनलॉक हो गया। इसमें भी आपको 3 पैसेंजर हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, 3 पैसेंजर हेडरेस्ट एंड 3 पैसेंजर आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका रियर स्पीकर हो गया,
यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रूफ रेल देखने को मिल जाते हैं। ये देख रहे हो तो कलर ये आपको सिल्वर देखने को मिल जाता है, और वो वाला आपका व्हाइट हो गया, वो आगे आपका ब्लू हो गया, एंड उसके आगे आपका ग्रे कलर देखने को मिल जाते हैं। जो वो वाला वेरियंट है वो आपका है डेल्टा प्लस वेरियंट, और ये है आपका डेल्टा वेरियंट। बात करें बैक की तरफ तो यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, ब्रेक लाइट एलईडी एंड इंडिकेटर भी आपको एलईडी एंड ब्रेक लाइट भी होगी, आपकी रिवर्स लाइट भी आपको एलईडी में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको चार पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ आपको मिल जाती है स्किड प्लेट, ये इसका बैक लुक। यहाँ पे आपको फोर रंग्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको मिल जाता है डीप फॉगर, एंड यहाँ पे आपको नेक्सा की बैजिंग। अब चलते हैं अंदर की बूट स्पेस की बात करूं तो इसमें मिलता है आपको 3.39 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका टोइंग थोड़ा सा हुक करने के लिए, एंड ये इसका लुक्स। यहाँ पे मिल जाती है आपको पार्सल ट्रे, ये हो गया आपका डिटेल्स रिव्यू, ये इसका साइड लुक्स। थैंक यू सो मच वीडियो देने आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, एंड आप जल्दी से आके आप और इस मोटर पे आप विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।